प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक्स हीरो से मुलाकात की। गुरुवार 12 सितंबर को पीएम ने अपने निवास स्थान पर पैरालंपिक एथलीट्स की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने एथलीट्स को बधाई दी और इसी दौरान पैरा जावलिन एथलीट नवदीप सिंह के साथ का उनका एक वीडियो खूब देखा जा रहा है। नवदीप इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के लिए एक खास टोपी लाए थे। पीएम ने जमीन पर बैठकर नवीन से उस टोपी को पहनाने के लिए कहा। इस मीटिंग के दौरान पीएम और नवदीप दोनों ही खूब बातें करते दिखे। पीएम ने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इस दौरान पीएम नवदीप से उनके सेलिब्रेशन पर चर्चा करते भी दिखे। नवदीप ने जैवलिन की F41 कैटेगरी में अपने दूसरे थ्रो के बाद खूब सेलिब्रेट किया था। खुशी में उनके चीखने चिल्लाने का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। नवदीप ने 47.32 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। पीएम द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिखता है कि नवदीप हाथ में टोपी लेकर पीएम के पास आते हैं और कहते हैं, मैं आपको क्या पहनाना चाहता हूँ सर। जवाब में मोदी जी कहते हैं, तुमने अपना देखा वीडियो। नवदीप जवाब देते हैं, हाँ सर। पीएम आगे कहते हैं, क्या कह रहे हैं लोग, सब लोग डरते हैं। जवाब में नवदीप बोले, सर वो जोश जोश में। फिर मोदी जी कहते हैं, कैप पहनाना चाहोगे, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। इतना कहने के बाद वो जमीन पर ही बैठ जाते हैं। फिर नवदीप पीएम को टोपी पहनाते हैं। दोनों लोग हाथ मिलाते हैं और फिर पीएम बोलते हैं, लग रहा है ना तुम बड़े हो। फिर थोड़े हंसी मजाक के बाद वो खड़े होते हैं और ये देख नवदीप अपने बाएं हाथ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, सर ये थ्रोइंग आर्म है, इस पर साइन कर दीजिए। ये सुन पीएम मार्कर के साथ उनके दाएं हाथ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें रोकते हुए नवदीप फिर से उनका ध्यान बाएं हाथ की ओर खींचते हैं और कहते हैं, सर ये थ्रोइंग आर्म है। फिर पीएम कहते हैं, अच्छा तुम इसी से थ्रो करते हो, तो तुम भी मेरे जैसे ही हो। यहाँ उनका इशारा लेफ्टी होने की ओर था। साइन करने के बाद पीएम फिर पूछते हैं, बाद में इतना गुस्सा करके कैसे करते हो। नवदीप जवाब देते हैं, पिछली बार चौथे नंबर पर रह गया था ना सर, इस बार आपको प्रॉमिस करके गया था, तो सर बस वही था। इंडिया टुडे के मुताबिक 4 फुट 4 इंच के नवदीप ने टोक्यो चैंपियन नीरज चोपड़ा से इंस्पायर होकर जैवलिन थ्रो शुरू किया था। इससे पहले वो अपने पिता की तरह रेसलिंग करना चाहते थे। पैरा जैवलिन थ्रोअर संदीप चौधरी ने भी उनकी खूब मदद की, उन्हें सिखाया। नवदीप ने साल 2017 के एशियन यूथ पैरा गेम्स का गोल्ड मेडल जीत अपना इंटरनेशनल सफर शुरू किया था। पेरिस में उन्होंने अपने थ्रो से पैरालंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ा था। हालांकि बाद में ईरान के बेत सदेग ने 47.64 मीटर के थ्रो के साथ इसे तोड़ दिया, लेकिन उन्हें धार्मिक झंडा दिखाने के चलते डिस्क्वालिफाई कर दिया गया और नवदीप का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल गया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।